हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे सुरक्षा बल स्थापना दिवस के बारे में। जब 1985 में रेलवे पुलिस बल को केंद्रीय सशस्त्र बल में शामिल किया गया था, यह केवल 29 अगस्त 1957 को संसद द्वारा रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम बनाया गया था। आरपीएफ नियम 10 सितंबर 1959 को बनाए गए थे। आरपीएफ विनियम 1966 में तैयार किए गए थे। 1965 में इसे रेलवे सुरक्षा विशेष बल नाम दिया गया था। 1966 में आरपीएफ को रेलवे संपत्ति अधिनियम बनाकर रेलवे संपत्ति के बेहतर संरक्षण के लिए कानूनी अधिकार दिए गए हैं। आरपीएफ के इतिहास। 1872 में रेलवे पुलिस कमेटी की सलाह के अनुसार एक अलग सरकारी पुलिस बल तैनात किया गया था। निजी रेलवे पुलिस उनके बुनियादी ढांचे और संपत्तियों की सुरक्षा करती रही। इस पुलिस बल को वार्ड वॉच एंड वार्ड में पुनर्गठित किया गया था। एक ही पर्यवेक्षण के तहत संचालित किया गया था। रेलवे संपत्ति की उचित संरक्षण के लिए 29 अगस्त 1957 को आरपीएफ बिल को मंजूरी दे दी गई थी, जो राज्य पुलिस बल के लिए दूसरी पंक्ति के रूप में काम करते हैं। 20 सितंबर 1985 को आरपीएफ अधिनियम को संशोधित कर अधिनियम संख्या 60 मिलाया गया। 1954 में वॉच एंड वार्ड को समिति कानूनी शक्ति के साथ रेलवे सुरक्षा बल में सुधार दिया गया था। रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। आरपीएफ को 1966 में कानूनी अधिकार दिए गए थे। आरपीएफ को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में शामिल किया गया था। आरपीएफ को सौंपे गए कार्य। रेलवे संपत्ति यात्री क्षेत्र और यात्री की रक्षा और सुरक्षा के लिए। रेलवे संपत्ति या यात्री क्षेत्र की आवाजाही में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए। रेलवे संपत्ति यात्री क्षेत्र और यात्री की बेहतर सुरक्षा और सुरक्षा के लिए कोई अन्य कार्य करना। आरपीएफ को रेलवे अधिनियम के मामलों में जांच करने की शक्ति प्रदान की गई है। संशोधन क्यों आवश्यक था? रेलवे सुरक्षा बल बेहतर यात्री सुविधा प्रदान करने के लिए स्टेशनों तक पहुंच नियंत्रण को अधिक प्रभावी तरीके से विनियमित किया जा सकता है। यात्री क्षेत्र और संचालन क्षेत्र में प्लेटफार्मों पर सामान्य सुरक्षा के सुदृढ़ किया जाएगा। रेलवे अधिनियम के कई वर्गों का उद्देश्य परेशानी मुक्त ट्रेन संचालन है। आरपीएफ को नई जिम्मेदारी सौंपने का मतलब मानव संसाधनों पर इष्टतम उपयोग होगा। विदेशी परियोजनाएं। इरकॉन कई एशियाई और अफ्रीकी देशों में बुनियादी ढांचे के विकास में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। इरकॉन की विशेषता ने मलेशिया में $1 बिलियन से अधिक मूल्य की एक बड़ी परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने और चालू करने में मदद की है, जो विदेश में भारतीय कंपनी द्वारा पूरी की गई अब तक की सबसे बड़ी परिवहन परियोजना है। बांग्लादेश में इरकॉन के इरसुडी दर्शन खंड के बीच 11 स्टेशनों पर टर्न की आधार पर कंप्यूटर आधारित इंटरलॉकिंग कलर लाइट सिग्नलिंग सिस्टम के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के परियोजना को पूरा किया गया है। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भैरवी, वीरांगना और शक्ति जैसे विशेष महिला दोस्तों का गठन। महिला आरपीएफ कर्मियों द्वारा सुरक्षित रखा जा रहा है। देर रात और सुबह सुबह लोकल ट्रेनों के दौरान कर्मचारियों की तैनाती की जाती है। अपराधियों के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 162 के तहत कार्रवाई की जाती है। मेरी सहेली पहल को भारतीय रेलवे में पायलट आधार पर लागू किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, यात्री जागरूकता अभियान, सुरक्षा हेल्पलाइन 182 का प्रचार प्रसार, महिला सुरक्षा के संबंध में जागरूकता अभियान, खेलकूद प्रतियोगिता, स्थापना दिवस परेड, सुरक्षा सम्मेलन। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।